मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है डर्मा क्लिनिक्स में. अपने मेरे काफ़ी एरिया फ्रंट और बैक की बाल्डनेस थी. मैंने 45,000 ग्राम्स के फ्रंट एरिया में लगाया है. आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट एंड स्टिल अभी भी बहुत सारे हेयर्स ग्रोइंग हैं. बहुत छोटे छोटे हेयर्स मुझे ऐसा लग रहा है अभी आ रहे हैं. गोइंग प्लानिंग आउट फॉर द सेकेंड सर्जरी. आपका किस टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांटेशन? मेरा टेक्निक था FUE, बायोस्टिमुलेशन से हुआ था. और उसके दौरान मुझे एक PRP ट्रीटमेंट भी दिया गया है ताकि उससे मेरा हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे हो जाए. जो FUE टेक्निक से करवाने से क्या फायदा आपने महसूस करा? फायदा कि मेरे एक डे में ही पूरी सर्जरी प्लान आउट हुई थी. उसके बाद मुझे इट वॉज अ वेरी इजी एंड क्विक प्रोसीजर. जिस एरिया से आपके हेयर्स निकाले गए स्कैल्प से और बियर्ड से, क्या उस जगह आपको देख के बता सकता है कि सर्जरी करी गई? नहीं, मुझे कोई देख के अभी नहीं कह सकता कि मेरे हेयर्स जो हैं वो आर्टिफिशियली मतलब पीछे से निकाल के लगाए गए हैं. और ना ही कोई मेरे बियर्ड से देख के कह सकता है कि मेरे ट्रांसप्लांट के लिए हेयर्स निकाले. मतलब किसी प्रकार से कोई एविडेंस बियर्ड में या स्कैल्प में नहीं है कि यहाँ से बाल लिए गए थे? नहीं, बिल्कुल. ठीक है, सर्जरी के दौरान आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बेसिकली इट वाज मोर ऑर लेस वेरी गुड. आप पहले सर्जरी के पहले डर रहे थे थोड़ा ट्रांसप्लांट से? ट्रांसप्लांट का बेसिकली हमें कुछ मालूम तो था नहीं. बट हाँ, जो था कि इट वाज स्केरी कि कैसे करेंगे क्या करेंगे. बट इट वाज मोर ऑर लेस इट वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सब कुछ कूल था एंड यू गो टू द सर्जरी यू कम आउट विद द हेयर्स. और सर्जरी के बाद का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर्जरी के बाद? कैसे पोस्ट ऑप नो पेन, ऐसा नहीं है कि बहुत पेन होता है, बिल्कुल नहीं होता. मेडिकेशंस दी जाती है तो उसका 2-3 दिन के अंदर बस थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है, लेकिन वो स्वेलिंग आपको धीरे धीरे चली जाती है. प्रिकॉशंस तो ऑफ कोर्स लें. फ्रंट एरिया कवर हुआ है, अब आप अपना बैक एरिया कवर करवाने के लिए आए हैं? मैं अपना इसीलिए मैं आया हूँ अभी कि मैं सेकंड सिटिंग अपने बैक एरिया में भी डेंसिटी. ये जो अभी आपकी फर्स्ट सेटिंग हुई इससे आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से? I'm satisfied. आपने ट्रांसप्लांट के लिए डर्मा क्लिनिक्स को ही क्यों चुना था? बेसिकली मैं एज ए डॉक्टर मैं इनको पर्सनली नहीं जानता था पहले, बट ये नियर बाई के मेरे निकले. सो आई हैव हर्ड कि ही इज फ्रॉम एम्स एंड मोर ऑर लेस ही इज आर मेरे नेटिव के प्लेस से जहाँ हमने MBBS किया था, तो वहीं के हैं. सो आई गॉट मोर ट्रस्ट ऑन हिम कि मैं इनको शायद जानता हूँ अच्छे से. सो आई व्हेन आई केम टू द क्लिनिक वी मेट आई गॉट द कॉन्फिडेंस लाइक आई शुड गेट इट डन बाय द डॉक्टर कविश ओनली. थैंक यू.